स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। ऑल राइट, आई शैल ट्राई टू बी बैक बाय 7:00। ऑल राइट, इट इज ऑल राइट, सब ठीक है, ठीक, अच्छा। ध्यान में रखना है कि ऑल राइट दो शब्द हैं। ऑल राइट एक शब्द में लिखना गलत है। एक पक्ष की सूचना दूसरा पक्ष स्वीकारे तब यह उपयोग होता है। उदाहरण, इट्स टाइम टू गो। ऑल राइट, आई एम रेडी। बाहर जाने का समय हो गया है। अच्छा, मैं तैयार हूँ। आई शैल सी यू टुमारो एट 7:00। इज इट ऑल राइट, मैं तुम्हें कल 7:00 मिलूंगा, ठीक है ना? आई शैल ट्राई, मैं प्रयत्न करूंगा, भविष्य काल। दूसरे और तीसरे पुरुष में विल का उपयोग होता है और पहले पुरुष में शैल का उपयोग होता है। इस बारे में विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। ओके, इट्स गुड टू गो अर्ली एंड रिटर्न अर्ली। 7 इज रीजनेबल। यू विल बी डेड टायर्ड, वोंट यू? ओके, ऑल करेक्ट। ये दो शब्दों की अजीब स्पेलिंग और करेक्ट करके उन शब्दों के पहले अक्षरों को लिया हो, ऐसी एक संभावना है। इसका अर्थ होता है सब ठीक है। इट्स ओके विद मी। व्हाट अबाउट यू? मेरे लिए वह ठीक है। तुम कैसे हो? कम टुमारो एट 4:00। ओके, कल 4:00 आना। अच्छा, मुझे स्वीकार है। अर्ली, जल्दी, लेट यानी देर से। इट इज गुड टू गो अर्ली, जल्दी जाना अच्छा है। रिटर्न, फिर से आना, फिर से लौटना। यह शब्द आगे देख लिया है। रीजनेबल, योग्य, स्वीकार्य, समझ सके ऐसा। रीजन यानी तर्क शक्ति, उस पर से रीजनेबल यानी तर्क शक्ति के रूप में स्वीकार, योग्य, मान्य। यह शब्द व्यक्ति के उपरांत सूचनाओं या योजनाओं को लागू कर सकते हैं। He is very reasonable in his arguments. उसकी दलील, तर्क बहुत ही सही है। वह एक सही दलील तर्क करता है। Your argument is reasonable. तुम्हारी दलील तर्क करने लायक है। The price for the quality is reasonable. यह गुणवत्ता के लिए यह कीमत योग्य है। Dead tired, खूब थका हुआ। Dead का मूल अर्थ मरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ अतिशय या पूरा ऐसा होता है। डेड स्लो यानी बिल्कुल धीमा। वोंट यू बी डेड टायर्ड, खूब थक जाओगे, सही है ना? इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।